भिवाड़ी के फूलबाग थाना में एक महिला ने अपने पति के अपहरण होने का मामला दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति भूपचंद निवासी गांधी कुटीर गत 13 मई से गायब है, जिसका भिवाड़ी के दिनेश यादव राकेश यादव से रुपयों का लेन देन भी था। उसे शक है कि उसके पति द्वारा रुपए नहीं लौटाने पर उक्त लोगों ने उसके पति का अपहरण कर लिया। वही पीड़िता नीरू संडालिया ने करीब एक दर्जन अन्य लोगों पर भी अपहरण का मामला दर्ज कराया है। भिवाड़ी चौक के इंचार्ज सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि गायब हुआ भूपचंद का भिवाड़ी में कमेटी के पैसे का लेन देन था, साथ ही दिनेश यादव और राकेश यादव के साथ करीब 8 लाख रुपए की उधारी का मामला चल रहा था। पुलिस की तरफ से अपहरण का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी तलाश में टीम लगी है, साथ ही जिनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ उनसे पूछताछ की जा रही है। श्रीमती रेनू संडलिया 4S18 गांधी कुटीर भिवाड़ी की रहने वाली है, जिसने बताया कि मेरा पति जो है गणपति प्लाजा में मोटर वाइंडिंग का काम करता है और कुछ लोगों का शेयर इकट्ठा करके नहीं कमेटी का काम करता था। जो दिनांक 13/5/18 की रात को अपने बड़े भाई रमेश्वर दत्त के मकान से कहीं गायब हो गया, जिन्होंने राकेश यादव, सुनील यादव, दिनेश यादव, राकेश यादव, दिनेश यादव व अन्य काफ़ी लोगों पर शक जाहिर किया है कि इन लोगों ने उसे पैसे के लेन देन को लेकर के नहीं कहीं गायब कर रखा है।